और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात नए जिलों की। नई सरकार आने के साथ ही केकड़ी जिले के दर्जे पर खतरा मंडरा रहा है। पिछले साल अशोक गहलोत राज में 17 मार्च 2023 को इसे एक नया जिला घोषित किया गया था। अलबत्ता विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार को हार का सामना करना पड़ा। ये रिपोर्ट देखिए। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही आईपीएस ट्रांसफर लिस्ट में केकड़ी में एसपी भी नहीं लगाया गया, जिसके चलते स्थानीय लोगों और सामाजिक संस्थाओं में गुस्सा है। पिछले चार दिनों से धरना जारी है और बाजार बंद है। लोगों को जोड़ते हुए इसे लेकर जन आंदोलन खड़ा किया जा रहा है। दो दिन से केकड़ी बंद है, रविवार को भी सभी दुकानें बाजार बंद रखे गए। अगर केकड़ी जिले को कैंसिल किया जाता है तो सभी जो केकड़ी वासी है उनसे मिलके सभी सामाजिक संगठनों से, राजनीतिक संगठनों से, गैर राजनीतिक संगठनों से, सभी से आह्वान किया जाएगा और जिला बना रहे उसके सिलसिले में आगे कार्रवाई की जाएगी और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जिला बनते विकास ने रफ्तार पकड़ी थी। जिला बनने के बाद केकड़ी वासियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी, लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के 7-8 नए जिलों को खत्म करने वाले बयान के बाद से ही लोगों को जिला खत्म होने की चिंता सता रही है। वहीं बीते दिनों सरकार ने केकड़ी से एसपी हटाए जाने के बाद जिले का स्टेटस खत्म किए जाने की चर्चा जोर पकड़ने लगी है। कमोबेश ऐसा ही हाल सांचौर, शाहपुरा, गंगापुर सिटी का भी है। इन सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन जारी है। राजस्थान की पूर्व सरकार ने राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए, क्योंकि राजस्थान पूरे इंडिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, नए डिस्ट्रिक्ट बनाए थे जिसमें केकड़ी भी एक था। वर्तमान में जो भाजपा की सरकार है उनके प्रदेश अध्यक्ष ने कुछ दिन पूर्व एक बयान देके कहा कि केकड़ी जैसे जिले को केवल तुष्टीकरण के तहत जिला बना दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस संदर्भ में कुछ बातें कही है। केकड़ी क्षेत्र का हर नागरिक दलगत राजनीति से ऊपर केकड़ी को जिला बनाना, जो बनाया गया था उसे लगातार रखना चाहता है। बार एसोसिएशन केकड़ी के नेतृत्व में उक्त धरना प्रदर्शन केकड़ी बंद के आयोजन लगातार रूप से चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी कितने ही संगठनों ने लगातार रूप से कि केकड़ी जिला रहे इसके लिए अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। तीन दिन से लगातार जारी जो बार एसोसिएशन के नेतृत्व में केकड़ी जिले का ये अभियान है उसके लिए एक बड़ा ही निर्णायक दिन है, बड़ा ही क्रिटिकल दिन है। जैसे कि उम्मीद की जा रही है, जैसे संकेत दिए जा रहे हैं, संभवतः ऐसी आशा बंधी है कि फिलहाल सरकार इस चीज को होल्ड पर डाल सकती है, लेकिन इसके बावजूद लोकतंत्र की स्थापित परंपराओं को, नीतिगत जो प्रशासन की परंपराएं हैं उनको ध्वस्त करते हुए भजनलाल सरकार या उनकी कैबिनेट केकड़ी को हटाने संबंधी कोई कार्रवाई करती है तो इतना तो तय है कि यह आंदोलन अपने आप उग्र रूप लेगा। जो अब तक असंतोष दिलों में छुपा बैठा है, यदि ऐसी कोई भी गलत कार्रवाई की जाती है निश्चित रूप से उसमें उबाल आएगा। जिले का दर्जा खत्म ना हो, जिला बचाव संघर्ष समिति की ओर से शनिवार को विरोध स्वरूप केकड़ी बंद रखा गया। वहीं रविवार को भी बंद रखकर विरोध को मुखर किया गया। बंद को सामाजिक के साथ साथ व्यापारिक संगठनों का भी समर्थन मिल रहा है। अगर जल्द सरकार या प्रशासन की ओर से उचित आश्वासन नहीं मिलता है तो फिर जयपुर भी कूच किया जा सकता है। वहीं प्रदर्शन के दौरान बीजेपी की लोकल लीडरशिप ने चुप्पी साध रखी है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए अजमेर से अशोक सिंह भाटी की रिपोर्ट। वहीं जयपुर ग्रामीण के चाकसू इलाके में विवाहिता को नशीला पदार्थ पिलाकर सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। पीड़िता द्वारा विरोध करने पर आरोपियों ने उसके साथ मारपीट भी की, जिससे पीड़िता की मौत हो गई। पीड़िता के पति ने परिचित युवक समेत चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। मामला 21 सितंबर का बताया जा रहा है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जाँच शुरू कर दी है। कल 0 नंबर FIR सवाई माधोपुर से प्राप्त हुई है, जिसमें इनके प्रिजनर ने आरोप लगाया है कि महिला जयपुर से सवाई माधोपुर जा रही थी और साथ में उसको कोई मिलने वाले मिल गए, उसको यहाँ से बेला पुछला कर कहीं एकांत में ले गए, उसके साथ गलत काम करने की कोशिश की गई और फिर उसके साथ मारपीट के हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। उसके बाद वो अपने प्रिजन में आ गए और गाँव ले गए, वहाँ से फिर उसको इलाज करा दे, वहाँ हॉस्पिटल ले गए, भर्ती कराया और रेफर कर दिया, रास्ते में उसकी डेथ हो गई। ये रिपोर्ट आई है। दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है।
अगली खबर दौसा से है, जहां पर लालसोट के झापदा थाना पुलिस ने निर्झरना में हुई फर्जी रजिस्ट्री के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी विक्रेता को अरेस्ट किया है। फर्जी रजिस्ट्री मामले में अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। झापदा थाना अधिकारी मदन लाल मीणा ने बताया कि 30 अगस्त को तहसीलदार अमितेश मीणा ने थाने में उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दी है। देखिए 30/8/24 को तहसीलदार निर्जना अमितेश मीणा ने एक FIR दर्ज कराई थी कि निर्जना में जमीन थी जिसका गोवर्धन शर्मा नाम का व्यक्ति था जो फर्जी वारिस बन करके और राजकुमार कसवा के नाम से रजिस्ट्री करवा दी। हमने अनुसंधान किया, अनुसंधान से पाया कि गोवर्धन शर्मा ने अपने बाप के नाम में चेंजिंग करके गोवर्धन पुत्र राम कुमार लिखा करके और ये रजिस्ट्री कराई है, जबकि गोवर्धन शर्मा का कोई अभी तक कोई पता नहीं चला गोवर्धन शर्मा कौन था। अब बात केडीए की। केडीए यानी कोटा विकास प्राधिकरण द्वारा एयरपोर्ट के लिए बूंदी जिले के तुलसी गांव के पास स्थित बूंदी के राजा राव सूरजमल हाड़ा की 600 वर्ष पुरानी छतरी को तोड़े जाने का मामला निरंतर तूल पकड़ रहा है। इसी कड़ी में केडीए द्वारा ध्वस्त की गई उक्त रियासतकालीन छतरी का निरीक्षण करने आए हिंडोली विधायक और पूर्व मंत्री अशोक चांदना ने घटना स्थल पर पहुंचकर छतरी का निरीक्षण कर छतरी तोड़ने की घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने छोटे कार्मिकों के साथ बड़े दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई किए जाने की मांग की। कहीं रनवे वगैरह में कहीं भी नहीं आ रही। राजपूत समाज की जो भावनाएं आहत हुई है, हो सकता है लापरवाही में हुई हो सकता है कि अति दंभ में आने के बाद किसी को कुछ ना समझना, ऐसी भावना से हुई है, किसी भी भावना से हुई है, लेकिन संघर्ष समिति जो मांगे रख रही हैं, अब उन मांगों को पूरा करके उन जो क्षतिपूर्ति करने की कोशिश सरकार को करनी चाहिए और किसी भी समाज की भावना से, उनके देवी देवताओं से, उनके पितरों से बड़ी अपने आप को नहीं मानते हुए उस मुझे लगता है कि उन मांगों को पूरा करना। फिलहाल यह वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे 5 मिनट में 50 जिलों की खबर।